हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो न्यू ईयर आने वाला है और सबके माइंड में बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस चलते हैं कि अपकमिंग ईयर में हम इस बार पक्का वेट लॉस कर लेंगे, मैं 1 घंटे रोज़ पढ़ाई करूँगा, मैं एक्सरसाइज 1/2 घंटा रोज़ करूँगा, जॉगिंग पे जाऊँगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सबके मन में कुछ ना कुछ ऐसे रेजोल्यूशन आइडियाज़ चलते हैं। सो या यू अंडरस्टूड इट राइट, आवर टुडे वीडियो टॉपिक इज़ अबाउट 2021 हेल्दी न्यू ईयर रेजोल्यूशन आइडियाज़। सो नंबर 1 जो मेरा हेल्दी रेजोल्यूशन आइडिया है वो है एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम। सबसे पहले हमको अपना एटीट्यूड, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम कैसे, जो हमारे माइंड में फीड होता है ना कि यार कैसे करें, मेरे से नहीं हो सकता, कौन करे, कुछ नहीं होता एक्सरसाइज करने से। सबसे पहले हमको ये यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत है अपने माइंड को, कि हमको सोचना है कि या आई कैन डू इट, इनफैक्ट आई विल डू इट। हमको ये सोचना है यार, जो एक 4-5 ईयर का छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने अगर 3-4 kg की शुगर की पॉलीथिन भी रखी रहती है ना, तो उसको ऐसे उठाने का ट्राई करता है, ऐसे उठाता है, भले उसको उठा पाए नहीं पाए, उसको अपनी कैपेसिटी के बारे में कुछ नहीं पता, स्टिल वो उसको ट्राई करता है। तो यार हम लोग तो बड़े हैं, एटलीस्ट वी शुड लर्न फ्रॉम देम, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस हम लोग ट्राई नहीं करेंगे उसको कंसिस्टेंटली, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि यार रिजल्ट नहीं मिलता। और लाइफ में यार हम लोग कैसी कैसी सिचुएशंस से डील कर लेते हैं, उसको टैकल कर लेते हैं और उसको बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट दे पाते हैं। सो माय नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज़ न्यूट्रिशन, हेल्दी ईटिंग। फॉर दिस जस्ट से बिग नो टू जंक फूड। फॉर दिस हैबिट मेरा ये सजेशन है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो किसी भी शॉपिंग के लिए, तो आप सबसे पहले तो वहाँ पे कोई भी ग्रॉसरी मार्केट में किसी भी चीज़ में, जहाँ जिस सेक्शन में आपको कुछ भी जंक फूड टाइप का दिख रहा है, वो आप परचेज ही मत करो। क्योंकि आप परचेज ही नहीं करोगे तो आप घर लाओगे नहीं, आप घर लाओगे नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। अगर आपके घर में वो चीज़ें अवेलेबल रहेंगी तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट मंचिंग इट। इसके लिए सबसे बेस्ट हैबिट यही है कि आप उन चीज़ों को परचेज ही मत करो। और इसके अलावा साथ साथ साइमल्टेनियसली जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, आप कुछ तो भी थोड़ा बहुत खा के निकलो, ताकि आप वहाँ पे क्रेविंग नहीं हो, आपको हंग्री फील नहीं हो कि यार मैं कुछ समोसा खा लूँ, मैं पानी पूरी खा लूँ। सो मेरा थर्ड पॉइंट है कि कट नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। हम जो लोग हमको बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं, या जो लोग हमको डीमोटिवेट करते हैं, या अगर हम कुछ वेट लॉस करने का ट्राई कर रहे हैं बट हमारा सर्कल ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है कि वो बोलते हैं अरे खा ले, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, 1 दिन में क्या होता है, कल थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, ऐसे लोगों से आप प्लीज़ जस्ट कट फ्रॉम योर लाइफ। क्योंकि आप अपनी जर्नी में सक्सेसफुल नहीं होंगे। या वेट लॉस के अलावा भी अगर आपको लगता है कि मैं ये कैसे करूँ, या मेरी लाइफ में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में ये फिट कर लो कि जिनके लिए आप ऐसा बोल रहे हो ना कि वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, वो बंदा या बंदी बहुत फुर्सत, बहुत वेला बैठा है, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है कि वो अपने काम धाम छोड़ के और आपके बारे में सोच रहा है, वो बहुत ही फुर्सत आदमी है, इसका मतलब वो बहुत आपको वैल्यू दे रहा है, और आप उसको और ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो उसके बारे में टेंशन पाल के, तो कोई मतलब नहीं है। आपका खुश रहना आपके दुश्मन की सबसे बड़ी हार है। मैं ये नहीं बोल रही कि ज़बरदस्ती खी खे खे करो, नो, बट आप उसको ये फील कराओ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत खुश रहो। एटलीस्ट आप ऐसा ट्राई करो कि आपको उन चीज़ों का आप इम्पैक्ट मत होने दो अपनी लाइफ में। तो मेरा नेक्स्ट रेजोल्यूशन आइडिया जो न्यू ईयर के लिए है वो ये है कि डी क्लटर, आप अपने स्पेस को डी क्लटर करें, कुछ थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक अरेंज करें। अब इसका इस चीज़ से बस ये रिलेशन है कि जब हम घर में एंटर होते हैं या हम अपने बेडरूम में कहीं पे भी कुछ ऐसा मैसी देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमको वो देखते से काइंड ऑफ इरीटेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो अगर आप थोड़ा अपना वर्क स्पेस, जहाँ पर भी आप कुछ काम करते हो या जो भी आपका स्पेस है, उसको आप थोड़ा नीट एंड क्लीन करेंगे तो आपका थोड़ा दिमाग काम करेगा, और सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड चीज़ों में हमारी किसी भी चीज़ को लेके उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी और अच्छी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साउंड स्लीप से मतलब ये है कि एटलीस्ट 7-8 आवर्स की हमको स्लीप लेनी ही चाहिए।
इट डजेंट मीन कि आप रात को चाहे 11 बजे सो चाहे 2 बजे सो, आप जितने भी बजे सो, बट उससे एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आपको सोना ही चाहिए। अब उसका बहुत बड़ा रिलेशन है ना सिर्फ वेट लॉस जर्नी में बल्कि हमारी एक अच्छी पीसफुल स्मूथ लाइफ में। अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं होगी, मे बी आप किसी रीज़न से जल्दी उठ जाओ, बट आप फिज़िकली तो उठ जाओगे बट आपको माइंड में एक फुल एनर्जेटिक वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको काम करने में एक अच्छा प्रोडक्टिविटी फील नहीं होगी। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ में एक एनर्जी फील होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्राई टू मेंटेन अ प्लानर। प्लानर इन द सेंस जब हम उठते हैं मॉर्निंग में, व्हेन वी गेट रेडी आफ्टर टेकिंग शावर बाथ, हमको एक कुछ प्लानर में कुछ जर्नल टाइप का मेंटेन करना है। उस जर्नल में हमको जस्ट 2 to 3 टू डू लिस्ट टाइप की बनानी है। उसमें हमको लिखना है लाइक कि आज ये करना है, आज ये वर्क करना है, जो भी आपके अपनी प्रायोरिटी आपके रूटीन के अकॉर्डिंग हो, उसमें 3 to 4 पॉइंट्स आप अपने जस्ट लिख लें। लाइक सपोज वेट लॉस से रिलेटेड यदि हम लोग बात करें तो आज मेरे को लेग्स रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है, यदि आज आर्म्स डे है तो मेरे को आर्म्स एक्सरसाइज करनी है, या आज पूरा फुल बॉडी ट्रेनिंग करनी है, फुल बॉडी वर्कआउट करना है, इस टाइप के कुछ भी आप अपने 3-4 पॉइंट्स लिख लें, या आज बच्चों को 1 घंटा पढ़ाना है, कुछ भी इस टाइप के आप अपनी चीज़ें लिख लें। और रात में बाय द एंड ऑफ द डे जब आप हर चीज़ से फ्री होके सोने जाते हो, तब एक बार सिर्फ उस प्लानर को उठा के उस पेज को आपको रिव्यू करना है, और रिव्यू करके उसमें हर पॉइंट पे आपको जस्ट चेक करना है कि व्हाटएवर यू हैव अकम्प्लिश्ड, व्हाटएवर इज़ रिमेनिंग, आपने उसमें से क्या सच में किया जो आपने प्लान बनाया था, और क्या स्टिल रिमेनिंग है। इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी और आपको अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक होगी। अदरवाइज बिना कुछ प्लानर बिना कुछ जर्नल मेंटेन किए ऐसे तो लाइफ सब लोग ही जी रहे हैं, बट अगर हम लोग कुछ ऐसे मेंटेन करते हैं तो ट्रस्ट मी आप एक बार करके देखो, ये हैबिट बहुत अच्छी है और आपको अपने माइंड में एक अच्छा मेंटल सेटिस्फैक्शन फील होगा कि यार मैं कुछ कर रही हूँ लाइफ में। बाकी खाना पीना सोना एवरीवन इज़ डूइंग इट, देयर इज़ नो यूनिक थिंग इन इट। सो माय नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज़ डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। अब बात आती है कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन ये है कि जस्ट हमको अपने दिन में 2 to 3-4 जितना आपको डिसाइड करना हो, कुछ घंटे आप गैजेट से डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा दूर रहें, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं कुछ स्मूदीज़ कुछ जूसेस लेके, ऐसे हमको अपने डे में डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन रखना है। लाइक टीवी मोबाइल आईपैड लैपटॉप वट एवर गैजेट्स यू आर यूजिंग, जो भी आप करते हो यूज़, उन सारे गैजेट से हमको 2 to 3 घंटे डिटॉक्सिफाई करना है, ख़ुद को दूर रखना है। और वो टाइम आप बिल्कुल डिसाइड कर लो कि आप किसी भी हालत में उसको टच नहीं करोगे, बिल्कुल कुछ भी हो जाए वो जो पीरियड रहेगा उसमें आप बिल्कुल दूर रहोगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई बार हम कुछ जस्ट व्हाट्सएप चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, किसी का कुछ भी प्रोफाइल पिक देखा, किसी का स्टेटस देखा, अननेसेसरी हम बहुत सारे इनपुट्स अपने माइंड में कैप्चर करते जाते हैं किसी की प्रोफाइल पिक देख के, या कोई कहीं गया है, किसी कोई कहीं आउटिंग पे गया है, कोई कहीं स्टे किया है, किसी ने कोई सेलिब्रेशन किया, वो जो भी हम देखते हैं ना वो हमारे माइंड में एनालिसिस चलता रहता है और वो सारे अननेसेसरी इनपुट हमारी लाइफ में दूसरे अदर एस्पेक्ट पे इम्पैक्ट होने लगते हैं। तो अननेसेसरी हम दूसरों की वजह से अपनी लाइफ इम्पैक्ट होने देते हैं। कई बार पता पड़ा कोई दूसरा बंदा दुबई गया और हम अननेसेसरी टेंशन पाल के हम ना खुश टाइप के हो गए, तो हम लोग खुद को दूर रखना है। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन ये एक बहुत अच्छी हैबिट है क्योंकि आज की दुनिया में हर किसी को एडिक्शन होके रखा है कि यार मोबाइल के बिना तो रह ही नहीं पाते, मोबाइल साथ में नहीं है इट मीन्स बहुत बड़ी कीमती चीज़ भूल गए हो, 2-3 घंटे हमको दूर रहना है मोबाइल से। सो मेरा नेक्स्ट रेजोल्यूशन आइडिया है कि गिव टाइम अ क्वालिटी टाइम, नॉट ओनली टाइम इनफैक्ट क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली एंड योर किड्स। आप दिन भर में कोई भी एक अपना टाइम स्लॉट डिसाइड कर लो जो आपको कन्वीनियंट लगता हो कि उसमें वो टाइम आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को अपनी फैमिली को उनके साथ ही स्पेंड करोगे, उसके अलावा उस टाइम पे आप कुछ भी दूसरा काम नहीं करोगे, ना वो किचन का काम होगा, ना वो ऑफिस का काम होगा, ना वो दूसरी घर के हाउस होल्ड रिलेटेड ड्यूटीज़ होंगी, वो टाइम डेडिकेटेडली
सिर्फ आप अपने किड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, क्योंकि ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, ये हैबिट बहुत सुकून देती है मन को, और बच्चों को भी, फैमिली को भी एक क्वालिटी टाइम की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे आप कोई भी कहीं के भी बारे में इवन सोचोगे भी नहीं। ऑफिस की टेंशन ऑफिस में रख के आओ, किचन की टेंशन किचन में रहने दो, बट जब आप एक अपने किड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तब आप सिर्फ एक्टिवली वहीं पे प्रेजेंट रहो। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी वहाँ प्रेजेंट है बट आप सोच रहे हो यार अभी मेरे को सब्जी कौन सी बनाऊँगी, आज है ही नहीं, ये सब नहीं करना है। सिर्फ वहीं पे प्रेजेंट रहो, उनके साथ एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनको भी टाइम देना चाहिए। इसके लिए आप वीक में एटलीस्ट एक से दो बार कहीं तो भी अच्छी आउटिंग पे जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, कहीं पे भी जो आपका मन करे आप जाएं, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सो मेरा नेक्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मी टाइम, सेल्फ लव। मी टाइम मतलब एक ऐसा टाइम कि आप सिर्फ और सिर्फ आप खुद को दो वो टाइम, उस टाइम में आपके अलावा और कोई भी नहीं, सिर्फ वो टाइम आपका और आपका ही होना चाहिए। अब वो टाइम आप डिसाइड करो, जैसे सपोज आप सुबह को नींद से उठते हो अर्ली मॉर्निंग, या जिस भी टाइम पे आप उठते हो, रेडी होने के बाद एक बार आप जस्ट बालकनी में बैठो, अकेले में टाइम स्पेंड करो, बिल्कुल शांति में, या आप आसमान में देखो, कुछ एकदम प्लीजेंट फीलिंग आएगी। सिर्फ आप खुद के बारे में सोचो कि आपको क्या करना है आज, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो एक आपका सिर्फ मी टाइम होगा, और उसमें उस टाइम में और कोई भी नहीं होगा, वो टाइम सिर्फ आपका होगा। जब तक आप खुद को खुद इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, कोई दूसरा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएगा। और मी टाइम का मतलब है आप खुद के लिए, फिर वो कुछ भी करो, चाहे उस मी टाइम में आप वर्कआउट करो, कुछ अच्छी स्किन केयर करो। स्किन को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, डे बाय डे पॉल्यूशन, केमिकल्स, इतनी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं कि हम मतलब वो नेचुरल ब्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती। तो आपको अपनी स्किन को भी इग्नोर नहीं करना है। और सेल्फ लव जो है ना, वो सेल्फिश नहीं होता यार, वो इम्पॉर्टेंट होता है। हमें खुद को भी प्यार करना चाहिए, सबसे पहले हमें खुद को प्यार करना चाहिए। एक छोटी सी शॉर्ट स्वीट स्टोरी बताऊंगी मैं, बट इट इज़ नॉट अ ओनली कहानी, इट्स रियल। एक अच्छी सी स्वीट फैमिली थी, और उसमें एक लाइक फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ एंड देयर किड्स। वो लड़की जब भी उसके घर में आइसक्रीम आती, उससे बोलते कि लाइक 3 आइसक्रीम्स आई, उसको ऑफ़र करते वो खाओगी, तो वो बोलती थी नहीं मैं नहीं खाऊंगी। बट एट द सेम टाइम वो सबका अच्छा ख्याल रखती, वो सबको देती, बट वो खुद नहीं खाती। नेक्स्ट टाइम कभी आती वो तब भी यही करती, वो नहीं खाती, वो सबको दे देती। ये सिलसिला कुछ टाइम तक चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब भी आइसक्रीम आती ना, उसको ऑफ़र ही नहीं की जाती, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा करती कि वो नहीं खाती। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसके हिस्से की आइसक्रीम्स लाना ही बंद कर दी। तो जस्ट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हम अगर खुद को इग्नोर करते जाएंगे ना, नो वन एल्स विल वैल्यू अस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वैल्यू टू आर सेल्फ। हमें अपनी वैल्यू खुद बनानी है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। जब तक हम खुद ही अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, कोई दूसरा बंदा हमें वैल्यू नहीं देने वाला। सो दीज आर माई ऑल न्यू ईयर रेजोल्यूशन आइडियाज़। होप गाइज यू हैव एन्जॉयड माई वीडियो एंड यू हैव लाइक माई वीडियो। सो जस्ट स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।